हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपसे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पीवाई की क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में। इसके पहले मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, पीवाईक्यू प्लस थ्योरी दोनों, तो उसे आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वाणिज्य बैंक एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इससे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू में आए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑर्डरली इंटेंस इन है, कहता है कि वेलफेयर ऑफ पीपल, ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड नेशनल इनकम की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी की ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक सतत सरकारी नीति समाहित करती है क्या होता है, जनकल्याण होता है, सामाजिक न्याय होती है, जीडीपी और राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है, संपत्ति का जो उचित वितरण, और पाँचवा है पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन, रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया, 1935, 1949, 1947 की 1969। अब आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये एस्टैब्लिश्ड हुआ 1 अप्रैल 1935 को, और ये नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। और इसके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सी डी देशमुख। इसका कुछ टर्म्स देखते हैं कि हिल्टन एंड कमीशन की संतुष्टि पर वर्ष 1934 में 5 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को पारित किया गया था, और बेसिकली 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी, और ये हिल्टन एंड कमीशन की स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट रिलेटेड इन द लीगल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस इन इंडिया, भारत में व्यवसाय के वैधानिक वातावरण में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है, MRTP, फेरा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की RBI, इसमें से कह रहा है कौन सा लीगल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस से नहीं रिलेटेड है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI के, मतलब ये रिलेटेड नहीं है लीगल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। बेसिकली इसमें बताया गया है कि भारत में वैधानिक के वातावरण में RBI शामिल नहीं होता है, और वैधानिक वातावरण भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए जो भी हमारे कानूनों नियम से बनता है। प्रश्न में MRTP एक्ट, फेरा तथा फैक्ट्रीज एक्ट 1941 को दिया गया था, और ये सभी कानून थे। MRTP बाजार में एकाधिकार तथा प्रतिबंधित क्रियाकलापों पर रोक लगाता है, और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण करता है, तथा फैक्ट्री एक्ट उद्योगों के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध करता है। तो ये सभी जो वैधानिक पर्यावरण का हिस्सा है, और RBI एक नियामक संस्था है जो केंद्रीय बैंक जो इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, RBI, NABARD की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकल मनी लेंडर्स। देखिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हमने पढ़ा होगा, ये किसका एक फंक्शन है, तो ये है आपका फंक्शन किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसे हम बोलते हैं RBI। अब देखिए, सेंट्रल बैंक जो होता है एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है जो कंट्रोल, रेगुलेट्स, ऑपरेट्स करता है और डेवलप करता है मनी और बैंकिंग इकोनॉमी। ठीक है, ये इसके फंक्शंस बहुत सारे हैं, ये बैंक ऑफ इशू का करेंसी इशू करता है, ठीक है, बैंकर्स बैंक कहा जाता है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो ये सारे फंक्शंस हैं, मीन्स लेंड और बोरो करने का भी काम क्या करता है, सेंट्रल बैंक करता है RBI। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का जो है वो सेंट्रल बैंक है, और इसका कार्य भारत में बैंकिंग व्यवस्था पर क्या होता है, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उसको डेवलप करना, मनी और बैंकिंग को स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा इसका। इसके अंतर ऋणदाता भी कहा जाता है, ये बैंकों का बैंक होता है, बैंकर्स बैंक भी होता है, ये भी हमने बताया कि फंक्शंस इसमें, और तथा ये बैंकों को ऋण प्रदान करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, जब कोई बैंक खराब वित्तीय स्थिति के कारण ऋण नहीं प्राप्त कर पाता तो RBI ऐसे बैंकों को बचाने के लिए लोन प्रोवाइड करता है, इसलिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है, लेंड और बोरो करने का भी काम क्या करता है, ये करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज नॉट एडॉप्टेड बाई RBI फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट इन इंडिया, भारत में कह रहा है साख नियंत्रण करते समय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस मापन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, पहला है कैश डिपॉजिट रेशियो, बी है कैपिटल एडिकेंसी रेशियो, सी है कैश रिजर्व रेशियो, की डी स्टेट लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें से कौन सा मेजर नहीं किया जाता है RBI कंट्रोलिंग क्रेडिट इन इंडिया, तो बेसिकली वो है कैश डिपॉजिट रेशियो, कोई नहीं रेशियो होता है, ठीक, इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो रिजर्व बैंक जो होता है उसमें प्रयोग होने वाले क्या होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो CRR जिसे हम बोलते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे हम SLR बोलते हैं, और कैपिटल एडविकेंसी रेशियो जिसे एसेट्स रेशियो होते हैं, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट,
एंड पाँचवा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें रिजर्व बैंक में कंट्रोल करने के लिए ये सारी यूज़ होते हैं, लेकिन कैश डिपॉजिट रेशियो ऐसा कोई यूज़ नहीं होता है। देखिए बैंकिंग ये जो है चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसे आप प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखें और पढ़ें। द सिस्टम ऑफ नोट इशू अडॉप्टेड बाय द आरबीआई इज प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड, मिनिमम रिजर्व मेथड, पार्शियली प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड और एंड पार्शियली मिनिमम रिजर्व मेथड की नन ऑफ दिस। कहता है जो सिस्टम मतलब आरबीआई, द सिस्टम ऑफ नोट इशू अडॉप्टेड बाय आरबीआई इज, तो वो कौन सा है, वो मिनिमम रिजर्व मेथड पर इशू करता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो नोट निर्गमन की जो पद्धति अपनाई गई है वो नियंत्रण किस पे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे की गई है, जिसमें क्या होता है नोट निर्गमन को पहले 200 करोड़ तक न्यूनतम रिजर्व रखना होता है, बेसिकली जिसमें सोने के सिक्के तथा मुद्रा क्या होती हैं इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं, और 115 करोड़ सोने स्वर्ण के रूप में होते हैं तथा अन्य विदेशी मुद्रा के रूप में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। विच डॉक्यूमेंट इज नॉट कंसिडर्ड इन KYC नॉर्म्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर की डिटेल ऑफ एक्सचेंज। तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो नहीं कंसल्ट किया जाता है KYC नॉर्म्स में, तो वो किया जाता है डी, बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। बेसिकली KYC में एड्रेस प्रूफ तथा फोटो प्रूफ को मांगा जाता है, और पैन कार्ड, राशन कार्ड, पेमेंट ऑर्डर इन सबका प्रयोग नहीं किया जाता है, इन सबका प्रयोग किया जा सकता है परंतु बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट की SBI। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी को किसके द्वारा प्रिपेयर्ड और डिक्लेयर्ड की जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। जैसे भारत में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी और इसका निर्माण तथा घोषणा करने वाली संस्था किसे कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। RBI की स्थापना हमें पढ़ाया कि 1935 में हुई थी, और RBI को भारत का एक केंद्रीय सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं। RBI भारत में मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है तथा उसकी घोषणा करता है, इसके अतिरिक्त मुद्रा बाजार पर नियंत्रण भी करता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाई कॉमर्शियल बैंक, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य बैंकों को क्रेडिट निर्माण शक्ति की सीमित करता है, तो फिजिकल पॉलिसी, बैंकिंग लॉज, रेपो रेट्स की बिजनेस पॉलिसी। तो इसमें कौन से हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, रेपो रेट्स जो होते हैं ये लिमिट्स प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाई द कॉमर्शियल बैंक्स। वाणिज्य बैंक के साख निर्माण की मात्रा केंद्रीय बैंक या मुद्रा या शाख निधि पर निर्भर करता है। कारण ये होता है कि जो केंद्रीय बैंक के पास जो देश की मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करने की शक्ति होती है। दूसरा ये होता है कि वो बैंकों के साथ के संकुचन और विस्तार की शक्ति को प्रत्यक्ष या प्रारूप रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये सारे हैं। और रेपो रेट एक केंद्रीय बैंक का एक ऐसा माध्यम है जो वाणिज्य बैंकों को क्रेडिट निर्माण शक्ति की सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज कॉल्ड, अभी हमने जस्ट इसके पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मीन्स जो लेंडर बोरो करने का भी काम करता है वो क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। तो भारत में जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का है जिसे हम RBI को कहा जाता है, और केंद्रीय बैंक होने के नाते ही RBI की अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती हैं, और RBI कार्य का प्रमुख कार्य भारत की मौद्रिक नीति तैयार करना, उसे लागू करना और उसकी क्या करना, निगरानी करना होता है। इसके अंतिम ऋणदाता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यदि कोई बैंक से वित्तीय संकट में फंस जाता है तो RBI ही उसे क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, इसीलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ नॉट अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रिस्क पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। इसमें से कैसा है, कौन सा क्रेडिट कंट्रोल का मेथड नहीं है, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऐसा कोई मेथड नहीं है क्रेडिट कंट्रोल का। बेसिकली बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, दिस आर द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसमें देखेंगे एक होते हैं हमारे जो साख नियंत्रण के क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमारी बैंक रेट आते हैं, परिवर्तनीय कोष अनुपात जैसे खुले बाजार की क्रिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एंड क्वालिटेटिव में CRR, कैश CRR, SLR, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, से कौन सा है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। सेंट्रल बैंक बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट्स करता है, रेगुलेट करता है और डेवलप करता है मनी और बैंकिंग हमारी इकॉनमी में। बेसिकली इसको बैंकर्स का बैंक भी कहा जाता है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट भी कहते हैं, बैंक ऑफ इशू करेंसी इशूज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी फंक्शंस हैं। इसमें से कह रहा कौन इसमें से फंक्शंस नहीं है, मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट बिल्कुल सही है। क्रेडिट क्रिएशन काम नहीं होता है सेंट्रल बैंक को। सी है कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज फंक्शन, एंड डी है नन ऑफ अब। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन कोई फंक्शन नहीं होता हमारे सेंट्रल बैंक का।
बेसिकली जो केंद्रीय बैंक देश के मौद्रिक प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है और बेसिकली इसमें क्या होते हैं प्रमुख फंक्शन ये होते हैं। पहला करेंसी अथवा नोट निर्गमन का एक अधिकार, सरकार का बैंकर्स कहा जाता है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकों का बैंक मीन्स बैंकर्स बैंक कहा जाता है, साफ नियंत्रण, तो ये सारी इसकी फंक्शंस होती हैं। इफ बैंक रेट इज रिड्यूस बाई RBI क्रेडिट क्रिएशन विल बी, अगर क्या कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने बैंक रेट को घटा देती है तो उससे क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा रिड्यूस होगा, कॉन्स्टेंट होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होती, तो अगर ऐसे केस में क्या हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी करने से क्या होता है उसमें वृद्धि होगी और बैंक दर नीति साफ मुद्रा पर नियंत्रण रखने की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण विधि है। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर क्या होते हैं किसी देश को हम केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंकों को, सरकारी में अन्य सभी उद्योगों को मानक पर ऋण प्रदान करता है, ऐसी कटौती को हम डिस्काउंट रेट कहते हैं। ये देखिए बैंक दर में कमी, ब्याज दर में कमी, व्यापारी बैंकों में ऋण मिलना सस्ता, ठीक है, तो ये दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड 1935, 1948, 1950 कि 1951, तो RBI कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, जस्ट मैंने पढ़ा कि 1935 में RBI एस्टैब्लिश्ड हुआ, RBI एक्ट 1934 में, RBI की स्थापना 1935 में और हिल्टन यंग आयोग के द्वारा 1926। द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ रिजर्व कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई के अहमदाबाद, तो इसका हेड ऑफिस जो है आपका मुंबई है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक केंद्रीय बैंक है जो इसका जो मुख्यालय है वो भारत में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, और मुंबई को ही भारतीय आर्थिक राजधानी कहा जाता है और ज़्यादातर बैंकों के मुख्यालय क्या है मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड, अब इसके पहले मैंने बताया था कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होते हैं, क्वालिटेटिव जो क्रेडिट कंट्रोल क्या इंक्लूड करते हैं, बैंक रेट पॉलिसी, रेशियो ऑफ क्रेडिट, ओपन मार्केट ऑपरेशन नंबर 30। तो क्वालिटेटिव जो क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड क्या करते हैं हमारे, वो होते हैं ऑप्शन बी हो जाएंगे। RBI की शाखा नियंत्रण नीति को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, जिसमें बैंक रेट CRR SLR खुले बाजार के क्रियाधार शामिल होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में हमारी शाखा की राशियां, चयन, ऋण, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये सारी चीज़ें हमारी शामिल होती हैं। नेक्स्ट है व्हेन बैंक रेट विल बी लोअर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट विल बी मोर लेसर जीरो की नवती, जब बैंक रेट हमारा कम हो जाए, ठीक है, नीचे होगी तो क्या हमारा क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, तो ऐसे केस में ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बैंक दर बैंक रेट वह रेट होता है जिस पर जो होता है वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से ऋण लेता है, लोन लेता है, और यदि बैंक दर कम होगी तो ऋण की मात्रा क्या है अधिक जारी की जा सकेगी, और बैंक दर 10% है तो 100 रुपये में से केवल 90 रुपये ही ऋण के रूप में दिए जा सकते हैं, और यदि बैंक के रेट 5% हो जाए तो 95 रुपये ऋण के रूप में दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेटर आर डिनोट्स एट द एब्रीवेशन BR एक्ट विच कंट्रोल बैंकिंग एंट्रीज इन द कंट्री, ए रिफॉर्मेशन, रेगुलेशन, रिपोर्टिंग, रिजोल्यूशन, तो R क्या डिनोट्स करता है, तो BR क्या है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही कि BR एक्ट या BR अधिनियम जिसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण देश में बैंकिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था, और ये जो कानून है 16 मार्च 1949 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है एक्सपेंड द टर्म ALM एज यूज इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ALM का यूज हम फाइनेंसिंग और बैंकिंग सेक्टर में यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है, एसेस लायबिलिटी मिसमैच, एसेस लायबिलिटी मैच्योरिटी, एसेस लायबिलिटी मैनेजमेंट, एसेस लायबिलिटी मैनपावर, तो ये रिलेटेड है हमारा एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट से, संपत्ति दायित्व प्रबंधक से, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। ALM शब्द का प्रयोग जो है एसेस लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए हिंदी भाषा में संपत्ति दायित्व के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बैंक रेट थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए जो हो जाएगा रेपो रेट, जो एक ऐसी रेट होती है जिस पर जो है सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर अन्य बैंकों को क्या देती है उधार देती है, और बैंक रेट वह रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है परंतु इन ऋणों पर प्रतिभूतियों की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल अप्रैल 1947, बी है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1948, सी है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम जनवरी 1972 टू दिसंबर 1975, डी है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉमन स्टेट ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी की द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम जनवरी 1975। तो ये सारी इसमें थी कि रिजर्व बैंक निम्नलिखित जो स्टेटमेंट इंक्लूडेबल है सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तथा
बर्मा की केंद्रीय बैंक के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था। दूसरा है कि यात्राई ने जो 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 में अपना प्रचालन शुरू किया था। और चौथा, आरबीआई की स्थापना हल्दा ने कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स MSS। पहला, इट अब्सॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ इंडिविजुअल मैच्योर नेचराइजिंग आउट ऑफ लार्ज कैपिटल फ्लोस। बी, हिट इज इट अब्सॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी थ्रू सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड रिसीवेबल। नेक्स्ट, मोबिलाइज सरप्लस लिक्विडिटी इज हेल्ड द MSS अकाउंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डी है, MSS अकाउंट लिक्विडिटी कैन बी यूज फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो एक ऐसा इस्तेमाल है जो विनिमय दर के उतार चढ़ाव के दौरान किया जाता है। बेसिकली इसके दौरान क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो विदेशी मुद्रा के बाजार में से खरीद कर या मुफ्त पर विनिमय दर में स्थिरता लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इंश्योरेंस ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स की RTGS। तो इसमें से कौन सा है फंड बेस्ड बिजनेस नहीं है कमर्शियल बैंक का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंश्योरेंस ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो होता है वो नहीं होता है। वाणिज्य बैंकों के कोष आधारित व्यवसाय के अंतर्गत जमाओं को स्वीकार करना क्या होता है, RTGS NFT को शामिल किया जाता है। When RBI reduces CRR its reserves into, जब RBI जो है CRR में कमी करती है तो इसका प्रभाव क्या होता है, इंक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज, डिक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्सेज, डिक्रीज इन डिपॉजिट्स, इंक्रीज इन डिपॉजिट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कि इंक्रीज इन लैंडेबल हो जाएगा, मीन्स RBI जो है मौद्रिक नियंत्रण हेतु अनेक परिणात्मक उपायों जैसे बैंक दर, CRR असहाय इत्यादि का प्रयोग करती है। नेक्स्ट, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस बाय RBI में। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1995 में। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो इंट्रोड्यूस किया 1995 में स्टार्ट किया गया। बेसिकली ये जो था सर्वप्रथम बैंकिंग व्यापार योजना बस 1995 में शुरू की गई थी, किंतु वर्ष 2002 एवं 2006 में इस योजना का दायरा बढ़ते हुए इसका संशोधन कर दिया गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशू ऑफ बैंक्स नोट, कस्टोडियन ऑफ कैशेस ओवर कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट्स एंड एडवांसमेंट टू पब्लिक बैंक, डी है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो कौन सा फंक्शन नहीं है इसमें, तो इसमें कौन सा फंक्शन नहीं हो जाएगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एडवांसमेंट टू द पब्लिक, ये रिजर्व बैंक का काम नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसका काम होता वाणिज्य बैंकों में नगद संचय का अभिनेटर नोटों का करेंसी इशू करना क्या होता है, बैंकों के बैंक के रूप में काम करना, तो ये सारी इसके फंक्शन ABNC मीन्स RBI द्वारा जो क्रेडिट डिमांड को नियंत्रित करने के तरीके वो कहते हैं, बैंक दर जो है साफ राशि, मुफ्त बाजार जो क्रियाकलाप है, उपभोक्ता क्रेडिट का विनिमय, परिवर्तनीय रिजर्व बैंक पर नैतिक उपेक्षा और ऋण अधिसंकुचन मार्जिन के निर्धारण की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज बीन स्टार्टेड, स्पेशल रेफरेंस स्कीम फॉर द रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ वॉलंटरी डिस्चार्ज वर्कर्स, IDBI, SEBI, ICICI की नंबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपका IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1964 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पुरस्कृत वाली एक सहायक कंपनी के रूप में की गई थी, लेकिन फरवरी 1976 में एक संयुक्त स्थापना जो बनाई गई थी। ठीक है, आई होप आप लोग से ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके PYQ कॉमर्स से, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।